आज सबसे पहले तो मैं आज करवा चौथ का आज व्रत है, मैं सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कि वो ये व्रत बड़े मन और भाव से ये व्रत करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं, क्योंकि हमारी ये संस्कृति है और इस संस्कृति के कारण हमारा ये देश दुनिया में जाना जाता है। इसलिए सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। दूसरा, राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान की उन्नति के लिए, विकसित राजस्थान बनाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत विकसित हो, हमारा राजस्थान विकसित हो, इसके लिए अभी मैं 6 दिन की यात्रा जर्मनी और यूके की करके आया हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि दुनिया में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में आने के लिए कंपनियां बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं, वो निवेश करना चाहती है। और हमने कहा कि राजस्थान के अंदर अपार संभावना है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे मिनरल के क्षेत्र में हो, चाहे स्टोन के क्षेत्र में हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में हो, पेट्रोमैक्स के क्षेत्र में हो, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में हो या ऊर्जा के क्षेत्र में हो, क्योंकि 365 दिन सूर्य की कृपा रहती है, हमारे पास जमीन भी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कंपनियां राजस्थान में निवेश करने के लिए तैयार हैं, बहुत सारी कंपनियों से हमारी बातचीत भी हुई है, MOU भी किए हैं और 9, 10, 11 दिसंबर को आने वाली है। हमारे पास अब तक 15 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का MOU हमारे हुए हैं और मुझे लगता है कि अभी 1.5 महीने से ज़्यादा हमारे इस राइजिंग राजस्थान में समय है। राजस्थान एक विकसित राज्य बने, इसके लिए हमारी सरकार पूर्ण रूप से काम कर रही है। हमारे युवाओं को रोजगार मिले, हम सरकार भी हमारी रोजगार दे और प्राइवेट सेक्टर में हमारे युवाओं को रोजगार मिले, हमारे राजस्थान के युवाओं का भविष्य उज्जवल हो। और जो हमने हमारे संकल्प पत्र में कहा है, मैं कहना चाहता हूँ संकल्प पत्र को हम पूरा करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, किसान को दिन में बिजली देंगे, महिलाओं के उत्थान के लिए काम करेंगे, मजदूर के उत्थान के लिए हमारी सरकार काम करेगी और बहुत बड़े निवेश राजस्थान में आने वाला है। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप सभी को धन्यवाद। उपचुनाव में हमने हमारे प्रत्याशी घोषित किए हैं, 7 में से 6 प्रत्याशी घोषित किए हैं। निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ता में उत्साह है और जो हमने
प्रत्याशी घोषित किए हैं उनके प्रति भी हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे वोटों से जीतने वाली। उपचुनाव में हरियाणा के जो घोषणा पत्र है कांग्रेस को।